हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल सक्सेस मंच में। आज यूपीपीएससी मेंस और यूपीएससी मेंस में एथिक्स जो कि पेपर नंबर 4 है जीएस का, उसमें हम लोग एटीट्यूड कर रहे हैं अभिवृत्ति। आज इसका पार्ट 7 हम लोग करेंगे जो कि इसका लास्ट पार्ट होगा। पहले पार्ट 6 मैं अपलोड कर चुकी हूँ जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप वहाँ जाके उसको देख सकते हैं। आज ये लास्ट पार्ट होगा। इसके बाद मैं इस पूरी की पीडीएफ आपको अपने सक्सेस मंथ पेज और टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगी जिसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप वहां जाके हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और पेज को लाइक करके ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह की और वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल पर विजिट कीजिए और देखिए कि आपके काम की कौन सी वीडियो है उसमें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल पर प्री और मेन से रिलेटेड बहुत सारे कोर्स चलाए जा रहे हैं। आर ओ आर ओ के लिए हिंदी का कोर्स भी जल्द ही शुरू करने जा रहे हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग एक्सपर्ट्स लेक्चर बना रहे हैं। ये नहीं कि सिर्फ क्वांटिटी पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसीलिए थोड़ी सी वीडियोस में लेट हो रहा है। क्वालिटी पर ध्यान दिया जा रहा है कि आपको जो भी आपके तक सामग्री पहुँचे वो इतनी अच्छी पहुँचे कि आपको कहीं और जाने की फिर ज़रूरत ना पड़े, आप वहीं से अपना पूरा कोर्स कम्प्लीट कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं अभिवृत्ति एटीट्यूड का पार्ट नंबर 7। आज ये लास्ट पार्ट हम लोग करेंगे। आज हम लोग यहाँ पर इसमें सहमति पैदा करना, ये पूरा टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। और इसके बाद हम लोग अभिवृत्ति का सिविल सेवा के लिए ये जो सेकंड इसका पॉइंट है ये हम लोग शुरू करेंगे। तो आज हम करते हैं यहाँ पर, ये हमने जो देखा था क्या क्या पढ़ा था, ये लास्ट लेक्चर के सारे पीपीटीज हैं। ये सारे मैं आपको पीडीएफ के तौर पे प्रोवाइड करवा दूंगी। आज आपको ये मिल जाएंगी सक्सेस मंच पेज पे और हमारे टेलीग्राम चैनल दोनों पे। तो ये आपने पहले पढ़ रखा है, जिसने नहीं देखा है वो पहले प्लीज़ एक बार हमारी ये वीडियोज़ पहले देख लीजिए ताकि आपको आगे की चीज़ें समझ में आएँ, नहीं तो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। बहुत सारी चीज़ें इसमें की थी हमने, मतलब ऑलमोस्ट पूरा ये टॉपिक हमने कवर कर लिया है। बस इस रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग ट्राई कर सकते हैं जो एग्ज़ाम में पहले आए हुए हों। ये देखिए, ये राजनीतिक अभिवृत्ति हमने लास्ट टाइम की थी। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रबोधक संप्रेषण, मतलब कि परसुएसिव कम्युनिकेशन। तो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि ये होता क्या है, इसको कैसे किया जाता है और इससे क्या प्रभाव पड़ता है। ये सारी चीज़ें हम लोग करते हैं। प्रबोधक संप्रेषण, संप्रेषण में मतलब होता है कम्युनिकेशन। तो प्रबोधक संप्रेषण का मतलब ये होता है कि अगर हम या फिर कोई भी एक एक्सपर्ट दूसरों की मनोवृत्ति में परिवर्तन करना चाहता है या करता है, तो उस प्रक्रिया को प्रबोधक संप्रेषण कहते हैं। जैसे कि इसमें दूसरों की जो मनोवृत्ति होती है, विचार होते हैं, भावनाएं एवं जो भी उनके अंदर स्थापित मान्यताएं पहले से ही होती हैं, उनको तर्कों द्वारा या संदेशों द्वारा किसी भी विधि द्वारा परिवर्तित करके उसमें कुछ विशेष मनोवृत्ति, कुछ विशेष विश्वास या विशेष मूल्य को स्वीकार करने और या ना करने या कुछ बदलने का अगर प्रयास किया जाता है, तो ये पूरी प्रक्रिया जो होती है ये होती है प्रबोधक संप्रेषण। प्रबोधक संप्रेषण से ज़्यादातर जो होता है वो व्यक्तियों की नकारात्मक प्रवृत्ति को सकारात्मक प्रवृत्ति में बदलने का प्रयास किया जाता है। मोस्टली इसमें यही प्रयास किया जाता है, अगर व्यक्ति की नेगेटिव एटीट्यूड है किसी भी चीज़ के प्रति तो उसको पॉजिटिव में चेंज किया जाए। तो इसका एक मेजर एग्जांपल होगा एडवर्टाइजमेंट। आपने टीवी, रेडियो हर जगह एडवर्टाइजमेंट सुने देखे ज़रूर होंगे। तो वही होता है प्रबोधक संप्रेषण, जो हमारे दिमाग पर, हमारी मनोवृत्ति पर प्रहार करता है, उसे चेंज करने का प्रयास करता है। जैसे कि टूथपेस्ट के बहुत सारे ऐड आते हैं, तो उसमें से आपको जो ऐड ज़्यादा, जैसे कि उसमें डॉक्टर दिखाई देता है किसी में कोई स्टार आता है, एक्ट्रेस एक्ट्रेस और एक्टर आते हैं, तो वो चीज़ें होती हैं। तो आपका इफ़ेक्ट, जिस आपका रुझान जिसके प्रति ज़्यादा होगा, तो आप उस टाइप के टूथपेस्ट खरीदने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। या फिर आपका रुझान होगा कि वो टूथपेस्ट की क्वालिटी कैसी है, या फिर आप उसमें जो ऐड में बताया गया है कि
इससे ये होता है ये होता है, इस प्रकार का आपकी जो मनोवृत्ति है उसको चेंज करने का प्रयास किया जाता है, उसे ही बोलते हैं प्रबोधक संप्रेषण। तो ये एक प्रकार का संप्रेषण होता है कम्युनिकेशन, ये वन वे भी हो सकता है, टू वे भी हो सकता है, और बहुत सारे लोगों को एक साथ बैठ के भी दिया जा सकता है। तो काफ़ी इसमें चीज़ें होती हैं, हम आगे पढ़ेंगे। ये एक प्रकार का संप्रेषण और संचार है, जो इसका जो होता है ये उद्देश्यपूर्ण होता है, मतलब कि इसका एक मकसद होता है, ऐड आता है उसका एक मकसद होता है कि लोग उस जो भी जिसका भी ऐड दिखाया जा रहा है उस चीज़ को खरीदे। यह श्रोताओं या पाठकों की मनोवृत्ति में परिवर्तन का इसका मेन उद्देश्य होता है कि जो भी इस चीज़ को देख रहा है, पढ़ रहा है, सुन रहा है, उसकी मनोवृत्ति में परिवर्तन हो जाए। इसके बहुत सारे तरीके होते हैं, मैं नॉर्मली तरीकों की इसमें यहाँ पे कुछ तरीके मैंने लिखे भी हैं, वैसे मैं आपको वर्बली बता देती हूँ कि इस पर भी एक क्वेश्चन आ सकता है, तो आप इसको अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं। जैसे कि सीधे वार्तालाप करना, एक दूसरे के सामने बैठ के, पोस्टर द्वारा, बड़े बड़े पोस्टर बैनर लगाए जाते हैं राजनेताओं नेताओं के, तो वो उसका मेन मकसद यही होता है कि लोगों के दिमाग में अपनी छवि बिठाना, अपना इम्प्रेशन डालना, तो उसी को बोलते हैं प्रबोधक संप्रेषण। और ये जो प्रबोधक संप्रेषण है ये मैंने यहाँ पर नाम दिया है, जो आपके पीछे जो सिलेबस है उसमें सहमति पैदा करना हुआ लिखा है, उसका मतलब भी यही होगा, सेम टू सेम। इंग्लिश में टर्म आप देख लीजिएगा, इंग्लिश में यही टर्म है, तो इसमें कंफ्यूज बिल्कुल मत होना कि मैंने ये नाम क्या दे दिया। तो सहमति पैदा करना नॉर्मल उसका नाम दिया हुआ है उसमें, और यहाँ प्रबोधक संप्रेषण उसका एक टेक्निकल नाम है, उसे कहते हैं ऐसे, तो इंग्लिश में नाम सेम होगा वही। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि मैंने अभी बताया पोस्टर, फिर जैसे वीडियो या रेडियो द्वारा, या फिर इंटरनेट के माध्यम से, बहुत सारे इंटरनेट पे एड्स आते हैं, बहुत सारे अपने लोगों देते हैं लोग, मैगजीन्स में आते हैं, टेलीविजन्स में, न्यूज़पेपर तो आजकल बहुत पॉपुलर सोर्स हो गया है इस चीज़ का, ऐड देने का। तो ये बहुत सारे ऐसे प्रयोग हैं जिनके द्वारा प्रबोधक संप्रेषण किया जाता है। जैसे कि कोई नेता होता है तो अपने राजनीतिक जीवन में लगभग बहुत सारे लोगों से मिलता है, उनकी समस्याएं सुनकर उनको ऐसा हल दिलाने का भरोसा दिलाना होता है, तो इसको भी प्रबोधक संप्रेषण की कैटेगरी में लाया जा सकता है। और नेता का काम क्या होता है कि वो हर एक को खुश करना, मतलब कि जो भी उसके सामने आए तो उसको खुश कर देना, उसको अपनी बातों से सहमत करवा देना, तो वही मेन होता है काम प्रबोधक संप्रेषण का। ये बहुत ही थोड़ा सा प्रबोधक संप्रेषण जो है ना, बहुत मेहनत वाला काम होता है, इसलिए प्रबोधक संप्रेषण की काबिलियत पर विशेष ध्यान दिया जाता है, उसमें बहुत काबिलियत होनी चाहिए। और अगर जिसके अंदर प्रबोधक संप्रेषण की क्षमता अच्छी है तो उसे ही सफल राजनेता माना जाता है, उसे सफल सेल्समैन माना जाता है। आपने देखा होगा बहुत सेल्समैन ऐसे होते हैं, पहले जो भी ग्राहक होता है उसे ना 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 करता है, तो अगर वो ऐसी अपनी बातों में उसे उलझाता है कि उसे हाँ करना पड़ जाता है, लेना पड़ जाती है चीज़ें। तो अगर जिनके अंदर प्रबोधक संप्रेषण की क्षमता बहुत अधिक होती है तो वो अच्छे राजनेता बन सकते हैं, अच्छे सेल्समैन बन सकते हैं, काउंसलर अच्छे हो सकते हैं, बहुत सारे ऐसे जॉब्स हैं जो इसके द्वारा किए जा सकते हैं। आप लोग बहुत अच्छे अच्छे कमेंट भी मुझे दे रहे हैं, प्लस मैंने जो लास्ट वीडियोज़ में एक आध क्वेश्चन पूछे थे उसके भी आप लोग जवाब दे रहे हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है कि आप लोग अपनी स्टडी पे फोकस कर रहे हैं। चलिए आगे मैं बताती हूँ, प्रबोधक संप्रेषण होता है इसके दो दृष्टिकोण होते हैं, मतलब जब इसको हम लोग पढ़ते हैं तो दो दृष्टिकोणों से पढ़ते हैं, एक होता है आरंभिक दृष्टिकोण ये वाला, और एक होता है संज्ञानात्मक दृष्टिकोण। हम इन दोनों में क्या क्या पढ़ते हैं, पहले वाले जो आरंभिक दृष्टिकोण है इसमें हम लोग देखते हैं, ये देखिए इसमें हम लोग देखते हैं प्रबोधक संप्रेषणकर्ता कौन है, संदेश की अंतःवस्तु क्या है, लक्षित श्रोता समूह क्या है, संप्रेषण की प्रविधि क्या है। तो इसके बारे में पहले हम जान लेते हैं। सबसे पहले प्रबोधक संप्रेषणकर्ता के बारे में जानते हैं। मनोवृत्ति जब परिवर्तित की जाती है तो इसकी अगर सफलता हमें चाहिए तो प्रबोधक संप्रेषणकर्ता को बहुत ही ज़्यादा विश्वसनीय होना चाहिए। सामान्यतः जो विशेषज्ञ होते हैं ना उन्हीं को प्रबोधक संप्रेषणकर्ता के रूप में लिया जाता है। प्रबोधक संप्रेषणकर्ता का मतलब होता है कि जो व्यक्ति किसी की मनोवृत्ति में परिवर्तन करता है उसे प्रबोधक संप्रेषणकर्ता कहते हैं। जैसे कि आप लोगों ने टीवी पे जैसे टूथपेस्ट का ऐड देखा तो उसमें डॉक्टर ज़्यादातर आते हैं, तो डॉक्टर क्या होते हैं कि वो डेंटिस्ट होते हैं, वो दांतों के विशेषज्ञ होते हैं, तो उनकी बातों पे लोग ज़्यादा विश्वास करते हैं, इसीलिए डॉक्टर को लिया जाता है टूथपेस्ट की ऐड के लिए ज़्यादातर।
ऐसे ही अगर किसी क्रीम का ऐड आता है तो एक्ट्रेस को ज़्यादातर यूज़ किया जाता है कि लोग उनसे ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं। तो उसका मतलब कि जब भी कोई अच्छी चीज़ करनी हो, किसी की मनोवृत्ति चेंज करनी हो, तो संबोधककर्ता जो होता है, संप्रेषणकर्ता, उस पर बहुत विशेष ध्यान दिया जाता है, वो कैसा होना चाहिए। और इसके बारे में बता दूं कि जो संप्रेषणकर्ता होता है उसका आकर्षक होना मनोवृत्ति परिवर्तन में बहुत सहायक होता है। अब आकर्षक से मतलब दो आकर्षक होते हैं, एक शारीरिक सुंदरता होती है और एक विशेषज्ञता होती है, बोलने की वाक्पटुता होती है, मतलब कि बहुत अच्छे से बोल सके। विभिन्न विज्ञापनों पर जैसे अभिनेता अभिनेत्रियों का प्रयोग जो किया जाता है उनकी शारीरिक सुंदरता को लेकर किया जाता है। इससे जो विज्ञापन है ना, उनके एज ग्रुप के लोग या बहुत सारे लोग बहुत ध्यान से देखते हैं। जैसे एक्ट्रेस की जितनी फिजिकल अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो लोग उनकी तरफ ज़्यादा खींचेंगे, तो ऐड बहुत ध्यान से देखेंगे। इसीलिए बच्चों को भी ऐड में लिया जाता है कि बच्चों के सेम एज ग्रुप के लोग हैं तो वो उन्हें ज़्यादा अच्छे से देखेंगे। और दूसरी चीज़, बच्चे अपना ध्यान अट्रैक्ट लोगों की तरफ ज़्यादा कर लेते हैं, इसीलिए ज़्यादातर आपने देखा होगा बच्चों को और एक्ट्रेस को जिनका फिजिकल अपीयरेंस अच्छी होती है उनको ही ज़्यादातर ऐड में लिया जाता है। और जो बच्चे होते हैं ना, वो बड़ों के साथ बहुत अच्छे से घुल मिल के काम कर सकते हैं, और बच्चे जो होते हैं वो दूसरों की मनोवृत्ति परिवर्तन जल्दी और आसानी से कर सकते हैं, तो इसीलिए उनको लिया जाता है एड्स में। अगर हम बात करें आगे कि संप्रेषक जो होता है वो सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से प्रभावशाली व्यक्ति है, तो उसका प्रभाव बहुत अच्छा पड़ेगा। ये तो ऑब्वियस है कि वो हर तरह से संपन्न है तो लोग उसकी बात ज़्यादा अच्छे से माने। इसमें एक चीज़ ये भी होती है कि संप्रेषक जो मतलब कि चेंज करना चाहता है मनोवृत्ति को, वो अपनी बात को इस तरह रख के, इस मतलब कि घुमा फिरा के अपनी बात कहे कि श्रोता को ये पता ही ना चले कि वो अपने लाभ के लिए उसका मनोवृत्ति परिवर्तन। अब एड्स किस लिए आते हैं कि लोग उसकी वस्तुओं को खरीदें, लेकिन वो डायरेक्ट थोड़ी ना खरीद कहते हैं कि आप मेरा ये टूथपेस्ट खरीद लीजिए। तो ये खरीदने को कभी कोई नहीं कहता, वो बस उनके गुण बताता है। तो इनडायरेक्ट वे में चीज़ें कही जाती हैं, तो इससे संप्रेषण का प्रभाव ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर कोई चीज़ डायरेक्ट कही जाती है तो उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। तो होप आपको प्रबोधक संप्रेषणकर्ता के बारे में हर चीज़ समझ में आ गई होगी डिटेल में। अगर कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं संदेश की अंतःवस्तु। संदेश की अंतःवस्तु से मतलब होता है कि वो जो जिस चीज़ के बारे में हम मनोवृत्ति परिवर्तन करना चाहते हैं वो कैसी है, उसे मतलब उसको कैसे प्रभावित किया जा सकता है। अगर दर्शकों की भावनाओं पे मतलब उनकी इमोशन पे प्रहार किया जाए तो सबसे ज़्यादा मनोवृत्ति में परिवर्तन किया जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण जो इमोशन होता है वो होता है डर। आप सबको भी पता होगा, तभी तो आपने बहुत सारे एड्स देखेंगे, जैसे कि एक माउंटेन ड्यू का ऐड आता है, डर के आगे जीत है। इसमें क्या होता है, लोगों के डर के ऊपर प्रहार। सबको पता है कि जितना ज़्यादा डराया जाएगा, जैसे कि उस पर स्मोकिंग जो सिगरेट होती है उस पर भी लिखा हुआ तो आता ही है ना कि स्मोकिंग इज़ डेंजरस फॉर हेल्थ, लेकिन फिर भी लोग उसे पीते हैं वो चीज़। लेकिन उनको वार्निंग दी जाती है, डराया तो जाता है ना, तो इस चक्कर में कुछ लोग तो छोड़ ही देते हैं उस चीज़ को करना। इसीलिए अगर दर्शक के मन में भय पैदा कर दिया जाए, और भय पैदा करने के साथ साथ उसको समाधान का रास्ता भी बता दिया जाए कि इस चीज़ से ये खतरा है, लेकिन अगर ये चीज़ करोगे तो खतरा ये ख़त्म हो जाएगा, तो उसका संप्रेषण का प्रभाव बहुत गुना बढ़ जाता है। इसी तरह आगे हम बात करेंगे अप्रत्यक्ष संदेश जो होता है, प्रत्यक्ष संदेश की तुलना में अधिक प्रभावी होता है। जैसे कि मैंने ऊपर बताया, डायरेक्ट नहीं कहा जाता कि आपसे ये वस्तु खरीद लो, आपसे घुमा फिरा के इनडायरेक्ट वे में बोला जाता है कि ये आपके लिए अच्छी है। और अगर श्रोता को ये पता चल जाए कि संप्रेषक उसको प्रभावित करने का प्रयास कर रहा है, तो उसे वो पहले से सावधान हो जाता है और संदेश को आसानी से स्वीकार नहीं करता है। तो इसीलिए सामने वाले को पता नहीं चलना चाहिए कि उसकी मनोवृत्ति में परिवर्तन किया जा रहा है। अप्रत्यक्ष संदेश की स्थिति में सावधानी नहीं होती, और जब उसे पता ही नहीं होता कि वो मुझ पे इम्प्रेशन डाल रहा है मुझे इस चीज़ को खरीदने के लिए, तो वो सावधान नहीं होता और अधिक आसानी से अपनी मनोवृत्ति में परिवर्तन कर लेता है। एक और चीज़ में होती है संदेश की अंतर्वस्तु में कि ये जिसका जो प्रभाव होता है वो, अगर कोई सूचना शुरू में दी जाए और कोई सूचना बाद में दी जाए,
तो पहले दी गई सूचना का प्रभाव अधिक होता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देती हूँ, एक सेंटेंस बोला गया, मोहन एक बुद्धिमान, मेहनती, ईमानदार, जिद्दी, अड़ियल, ईर्ष्यालु लड़का है। ये पूरी लाइन बोली गई। नेक्स्ट एक और लाइन बोली गई, मोहन एक जिद्दी, अड़ियल, ईर्ष्यालु, बुद्धिमान, मेहनती, ईमानदार लड़का है। तो जिन व्यक्तियों को सूचनाएं प्रथम वाक्य के क्रम में दी जाएंगी, जैसे मैंने पहला वाक्य बोला, तो उनके मन में मोहन की जो है ना सकारात्मक छवि बनेगी। ऐसे ही जिन व्यक्तियों को सूचनाएं सेकंड वाक्य में दी जाएंगी, तो उसके मन में मोहन की नकारात्मक छवि बनेगी। सेंटेंस दोनों सेम था, बस पॉजिटिव टर्म्स पहले वाले सेंटेंस में मैंने आगे बोली थी और नेगेटिव टर्म पीछे, और इसी तरह इसमें सेकंड जो सेंटेंस बोला था इसमें नेगेटिव टर्म पहले बोली थी और पॉजिटिव बाद में। तो इससे इम्प्रेशन बहुत ज़्यादा पड़ता है, इसीलिए हमें पॉजिटिव चीज़ें ज़्यादा पहले बतानी चाहिए, बात की चीज़ों पर लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो ऐसे जब संप्रेषण कर्ता को इन चीज़ों का ध्यान भी रखना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे थर्ड, इसमें लक्षित श्रोता समूह, इस पर कैसे फर्क पड़ता है। श्रोता जैसा होगा उसकी मनोवृत्ति में परिवर्तन करना उसी हिसाब से उस पर डिपेंड करेगा, उसकी प्रकृति पर डिपेंड करेगा। अगर श्रोता जो है वो ज़्यादा आक्रामक होगा तो उसकी मनोवृत्ति परिवर्तन हम नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल होगा। और अगर वो विनम्र होगा तो उसका प्रभाव अधिक होगा प्रबोधक संप्रेषण का। इसी तरह व्यक्ति में आत्मविश्वास अधिक होगा तो उसमें प्रबोधक संप्रेषण का प्रभाव भी कम हो जाएगा, कि उसे अपने ऊपर विश्वास है तो वो लोगों की ज़्यादा बातें नहीं सुनता है। तो इस श्रोता की प्रकृति पे भी बहुत प्रभाव पड़ता है। और एक चीज़ और इसमें कि ज़्यादातर देखा गया जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो प्रबोधक संप्रेषणकर्ता का प्रभाव कम होता जाता है, विशेष रूप से मूल्यों के संदर्भ में ये चीज़ कही जा सकती है। आप लोगों ने देखा होगा जैसे पुरानी पीढ़ी के लोग हैं तो वो अगर आजकल की नई पीढ़ी के लोग नई भी चीज़ कुछ बताना चाहते हैं ना तो उन्हें ऑब्जर्व नहीं करते, उन्हें लेना नहीं चाहते, क्योंकि वो लोग अपनी ही बातों को सही मानते हैं जो आजकल की पीढ़ी की बात को सही नहीं मानते हैं। तो ये चीज़ एक फैक्ट है, ये एक सर्वे टाइप में कह सकते हो आप लोग कि प्रबोधक संप्रेषण जो है वो जो ज़्यादा उम्र के लोग हैं उनमें जो है उसका प्रभाव कम पड़ता है, अधिक नहीं पड़ता है, उनको चेंज करना उसका मुश्किल होती है मनोवृत्ति। आगे हम बात करते हैं संप्रेषण की प्रविधि। तो जैसे कि किस विधि का प्रयोग करके हम लोग संप्रेषण करना चाहते हैं इसमें वो आता है। तो इसमें जो अगर हम सामूहिक संचार करते हैं, मतलब बहुत सारे लोगों को एक साथ बिठा दिया और उनके और किसी चीज़ के बारे में उन्हें बताने लगे, उनकी मनोवृत्ति परिवर्तन करने लगे। और इसी में दूसरी चीज़ होती है कि व्यक्तिगत बातचीत करते हैं, किसी से पर्सनली मिलके बात करते हैं तो पर्सनली मिलने का प्रभाव ज़्यादा अधिक होता है इसकी तुलना में जब हम सामूहिक संचार करते हैं। इसीलिए इसमें एक चीज़ और होती है कि एक तरफा संचार में जिसमें कि संप्रेषण जो करता है वो बोलता रहता है और श्रोता केवल सुनते हैं, कि तुलना में दो तरफा संचार मतलब कि आमने सामने दोनों लोग बोलते हैं, दोनों पक्षों की अंतःक्रिया होती है, तो उसमें प्रभाव ज़्यादा अधिक होगा। अगर दो व्यक्ति बैठे हैं एक दूसरे को अपनी बात रखेंगे तो संप्रेषण ज़्यादा अधिक होगा, अच्छा होगा। और अगर एक व्यक्ति सुन, जैसे कि रेडियो पे होता है, रेडियो पे जो चीज़ कही जाती है सामने वाला सिर्फ सुनता रहता है, अपना विचार नहीं रख सकता, तो उस टाइप में संप्रेषण कम हो सकता है। यदि व्यक्ति को संदेश उस समय दिया जाए जब उसके साथ और लोग भी उपस्थित हों तो एकांत में दिए गए संदेश की तुलना में मनोवृत्ति के परिवर्तन में संभावना अधिक रहती है। समझ में आ गया होगा आपको। जब पूरा समूह प्रभावित होता है तो हर व्यक्ति में यह विश्वास बना रहता है कि संदेश सचमुच प्रभावशाली रहा होगा, इसीलिए उस पर भी उसका सब इसीलिए सब पर प्रभाव पड़ा है, तो वो उस संदेश में जरूर कुछ बात होगी, इसीलिए उस पर फर्क पड़ता है। संप्रेषण में गैर भाषिक अभिव्यक्तियों की बहुत पूर्ण भूमिका होती है, जैसे कि चेहरे के हाव भाव, उनके अंगों की गतिविधियाँ, आँखों का संपर्क। इस टाइप में भी देखा जाता है कि लोग कैसे बात कर रहे हैं, कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, इस चीज़ को भी ध्यान में रखा जाता है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम लोग संज्ञानात्मक दृष्टिकोण। संज्ञानात्मक दृष्टिकोण में दो तरह के संप्रेषण होते हैं, इसमें एक तो होता है व्यवस्थित संसाधन और दूसरा होता है अनायास संसाधन। व्यवस्थित संसाधन में होता है कि अगर कोई मनोवृत्ति में परिवर्तन कर किया जा रहा है कर रहा है तो
इसमें संदेश की सामग्री पर विशेष ध्यान दिया जाता है, सावधानी पूर्वक मतलब कि विचार किया जाता है कि क्या संदेश है, कैसा है। और ये जो अनायास संसाधन होता है, इसमें विचार इतनी तेजी से दिया जाता है, इतने मतलब कि ऐसे इतने फटाफट हो जाता है कि इसमें विचार करने का टाइम ही नहीं मिलता किसी को। तो ये मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है कि मतलब कुछ लोगों के अंदर ऐसे होता है कि वो किसी बात पे सोचते समझते विचार करते हैं, और कुछ लोग होते हैं कि किसी ने कुछ कहा और फटाफट मान लिया। तो ये चीज़ इसमें बहुत ज़्यादा फर्क पड़ती है। तो अगर किसी की बौद्धिक क्षमता अधिक है और उसके पास विशेष समय है, किसी चीज़ का विशेष ज्ञान है, तो फिर तो व्यवस्थित संसाधन उसके यूज़ में आएगा, इसके द्वारा उसकी मनोवृत्ति परिवर्तन होगी। लेकिन किसी के पास बौद्धिक क्षमता कम है, कम पढ़ा लिखा है, टाइम नहीं है किसी के पास, या फिर वो उसके पास किसी चीज़ का विशेष ज्ञान नहीं है, तो उसकी हम लोग बौद्धिक क्षमता बहुत आसानी से परिवर्तित कर सकते हैं। तो उसके अंदर अनायास संसाधन यूज़ होगा इसमें। इसमें थोड़ा सा मैं और बता दूँ कि अगर हमें अनायास संसाधन की ओर लाना है किसी व्यक्ति, मतलब कि कोई बुद्धिमान व्यक्ति है और उसको वो अगर उसे कोई बात बताई जाएगी तो वो व्यवस्थित संसाधन यूज़ करेगा, मतलब कि सोचेगा समझेगा फिर करेगा। अगर उसे अनायास संसाधन के द्वारा उसकी मनोवृत्ति परिवर्तन करनी है तो कुछ कदम उठाने होंगे, जैसे कि श्रोता जो हमारे सामने बैठा है उसे एक से अधिक बातों में उलझा देना चाहिए, ताकि वो चाहता भी होकर भी व्यवस्थित संसाधन ना करे, उसको उलझाने के बाद अपनी बात कहनी चाहिए। नेक्स्ट उसे कहना चाहिए कि ऐसे टेक्निकल वर्ड्स या तथ्यों का प्रयोग करना चाहिए जिससे श्रोता अपने समझने की क्षमता ही खत्म हो जाए उसकी, वो सोच ही ना पाए कि उसने क्या कहा। नेक्स्ट और भी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं इसमें कि बोलने या तथ्य प्रदर्शित करने की गति थोड़ी सी मतलब जितनी आपकी है नॉर्मल से तेज रखनी चाहिए, ताकि उस गति से व्यवस्थित संसाधन करना कठिन हो जाए, उसको सोचने का टाइम ही ना मिले। तो होप आपको ये चीज़ समझ में इसमें आ गई होगी। अब यहाँ तो ये पूरा टॉपिक यहाँ ख़त्म होता है। प्रबोधक संप्रेषण की सफलता के कुछ और निर्धारक मैं आपको बता देती हूँ। इसमें थोड़ा सा ये वर्बली हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि प्रबोधक संप्रेषण तभी सफल होगा जब नई मनोवृत्ति उन कार्यों को पूरा करेगी जो पुरानी मनोवृत्तियों द्वारा किए जा रहे थे। मैं इसका एक एग्जाम्पल देती हूँ कि अगर कोई सांप्रदायिक व्यक्ति है और उसको अपने समाज में अपने मूल्यों को मानने के लिए, अपने संप्रदाय को मानने के लिए उसको सम्मान प्राप्त हो रहा है, तो उसे ये पता होने के बावजूद कि धर्म निरपेक्षता की मनोवृत्ति अधिक तार्किक है और अच्छी है, मतलब देश के लिए अच्छी भावना है, तब भी वो उस मनोवृत्ति को नहीं अपनाएगा, वो सांप्रदायिक ही रहेगा। और ये मनोवृत्ति तब तक उस पर असर नहीं डालेगी जब तक नई मनोवृत्ति से उसका सम्मान का विकल्प ना उपस्थित हो जाए, मतलब कि अगर वो धर्म निरपेक्षता अपनाता है तो उसके समुदाय में उसको सम्मान प्राप्त होना खत्म हो जाएगा, इसलिए वो जानबूझकर नई मनोवृत्ति नहीं अपना सकता। ऐसे ही एक और है कि जैसे कि भ्रष्ट व्यक्ति की मनोवृत्ति को तब तक नहीं बदला जा सकता जब तक कि भ्रष्टाचार से जो उसे लाभ प्राप्त हो रहे हैं उसकी क्षतिपूर्ति ना हो जाए। अब ये क्षतिपूर्ति आर्थिक रूप से ही ज़रूरी नहीं हो कि कोई लाभ प्राप्त हो रहा है तो आर्थिक ही क्षतिपूर्ति हो, उसे अन्य रूपों में भी क्षतिपूर्ति मिल सकती है, जैसे कि कार्यालयों में उसके सम्मान हो, उसका महत्व बढ़े आदि के माध्यम से भी उसे क्षतिपूर्ति दी जा सकती है। प्रबोधक संप्रेषण की सफलता इस बात पर भी निर्भर करती है कि पुरानी जो मनोवृत्ति होती है और नई मनोवृत्ति के बीच अंतराल या विरोध कितना है। यदि ये अंतराल बहुत ज़्यादा होगा तो प्रबोधक संप्रेषण के सफल होने की संभावना बहुत कम होगी, और अंतराल जितना कम होगा उतना ही प्रबोधक संप्रेषण के सफल होने की संभावना बढ़ जाती है। तो आपको आज का लेक्चर कैसा लगा, समझ में आया या नहीं, इसके लिए कमेंट कीजिए। जो चीज़ नहीं समझ में आई है प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। आप मुझे कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। Thanks for watching. Thank you.